हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4, ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड 2013। ओके, लास्ट क्लास में आपने क्या क्या देखा था? हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स। सो टुडे वी विल कंटिन्यू हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन वर्ड। ओके, सो हाउ टू इंसर्ट, वी विल सी प्रैक्टिकली हाउ टू इंसर्ट शेप्स। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, राइट वर्ड। ओके, दिस इज द वर्ड। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड हियर वी विल इंसर्ट शेप्स। ओके, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब्स। चिल्ड्रेन, ऑल आर टैब्स। ओके, नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट। Here, shapes option will appear. Click on arrow button and all shapes are here. Select any shapes like this. And this symbol, plus symbol will appear. Drag. Okay, like this. Okay, same where you will, when you will create. क्लिक डबल क्लिक ऑन शेप्स, फॉर्मेट टैब विल अपीयर। इसमें आप कोई भी शेप्स का कलर आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, शेप्स प्लस सिंबल ड्रैग एंड व्हेन यू विल क्लिक द शेप like this. Okay, again insert tab, shapes like this. Okay, insert shapes like this. Whenever you click this shape, format tab will appear. Select any color you want like this. Okay, this is a how to insert a shape. What is this? Inserting a shapes. Okay, suppose now I want to write one word, any topic in this shapes like circle. So click on cursor. You know what is the meaning of cursor? One vertical line, that is called a cursor. Click here. Suppose I want to write welcome. Okay, and here in this shape, thank you. And here, BHS, ONGC. And here, afternoon shift. ओके, अभी मुझे इनको एडिट करना है लाइक दिस। सिलेक्ट, जैसे ही मैंने इस पे सिलेक्ट किया, आप होम टैब में जाके यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले सीखा था ना, सेम एज इट इज। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप एडिटिंग नहीं कर सकते लाइक दिस। सेम सिलेक्ट ओके, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो शेप पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट फिल, देखो आप यहां से टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मुझे इसको भी चेंज करना है तो आपको पहले शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन टेक्स्ट को, फॉर्मेट टैब, यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग शेप्स एंड हाउ टू राइट टेक्स्ट इन शेप्स. ओके चिल्ड्रन, हाउ टू यू नो हाउ टू राइट टेक्स्ट इनसाइड द शेप्स? ओनली डबल क्लिक द कर्सर. तो आपको जहाँ कर्सर दिखेगा वहाँ से आप टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट, बट सबसे पहले आपको शेप्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, देन उसके बाद ही आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज अ हाउ टू इंसर्ट शेप्स. थैंक यू.